अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रेस्क्रिप्शन जो है, जो कि एक डॉक्टर पेशेंट को लिखता है, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी डायग्नोस, उसकी जो कंडीशन है उसको डायग्नोस करने के बाद जो उसको ट्रीटमेंट के तौर पर जो मेडिसिन एक पेज के ऊपर लिख के देगा उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रेस्क्रिप्शन। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जो पेशेंट है, जो बेसिक रूल है वैसे, वो फार्मेसी पे जाता है। तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो उसको रिसीव करता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला काम यह है कि पेशेंट से आपने जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद उसको प्रॉपरली चेक करना, उसको रीड करना, 2 से 3 दफ़ा उसको 6-13 दफ़ा से रीड करना। फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर ने हदायत लिखी है एक फार्मासिस्ट के लिए प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, और उसके अलावा पेशेंट के लिए भी उसमें हदायत होती है, तो उन हदायत के मुताबिक जितनी डोज डॉक्टर ने लिखी है उस डोज के मुताबिक उस डोज को कैलकुलेट करना कि किस पेशेंट के लिए कितनी डोज होगी। वो बेसिकली डॉक्टर ने उसके ऊपर लिखी होगी, उस डोजेज कैलकुलेशन के हिसाब से उसको लिक्विड डोजेज फॉर्म बनानी है या सॉलिड बनानी है। इन चीज़ों को देखना, डोजेज कैलकुलेशन करनी, पहले रिसीव करना है उसको, फिर डोजेज कैलकुलेट करनी है, फिर कंपाउंडिंग करनी है, जो तीसरा स्टेप है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में। कि जो हमने डोजेज कैलकुलेट कर ली, पता कर लिया कि कौन कौन सी डोज बनानी है और कितनी डोज बनानी है, उसके बाद जो है वो कंपाउंडिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कि अब हमने उसको बनाना है। छोटा बच्चा है तो उसके लिए के जो प्रेपरेशन है वो किस तरह से बननी है, उसमें फार्मूलाज क्या है उसको हमने देखना है। उसमें हमने स्टडी किया था यंग्स रूल, काउंटिंग स्केल, क्लार्क्स रूल वगैरह, और उस रूल के मुताबिक जो हम प्रेपरेशन तैयार करते हैं, डिफरेंट रूल्स हैं। तो कंपाउंडिंग करनी है, बड़ा बंदा है तो उसको किस हिसाब से हमने प्रिपेयर करना है, सीरप बनाना है या टेबलेट बनानी है या इंजेक्शन प्रिपेयर करना है, जो भी डॉक्टर ने हदायत लिखी होंगी एक फार्मासिस्ट के लिए उसके ऊपर। अब ये तीन जो स्टेप है ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर्स में, रिसीविंग के हमने जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको रिसीव करना है, फिर डोजेज कैलकुलेशन करनी है कि हमने कितनी डोज बनानी है, कितने दिनों के लिए बनानी है, फिर उसके बाद जो है कि हमने सारा कुछ अच्छे तरीके से समझने के बाद, अच्छी तरह से प्रेस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, जब हमें उसकी कंपाउंडिंग कर लेनी है, तो जो चौथा स्टेप है फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कि जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में चौथा पॉइंट है फिनिशिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो फिनिशिंग में भी आगे से 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, जो कि फिनिशिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं, जिसमें पहला ये है कि पैकेजिंग, जो हमारी कह लें कि जो हमने मेडिसिन तैयार की है उसको अब हमने पैक करना है। तो पैकेजिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है कि पहला, आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को तैयार करने के बाद, इस ट्रांसफर टू कंटेनर विच इज़ बाय द फार्मासिस्ट चॉइस। अब जो मेडिसिन हमने तैयार कर ली है उसको हमने एक कंटेनर में डालना है, एक कह लें कि सीरप है, वो कंटेनर जो है वो ग्लास का है, उसमें सीरप में डालना है, या हमने उसमें कोई ट्यूब वगैरह है जिसमें क्रीम वगैरह डालनी है। तो ये जो कंटेनर है ये फार्मासिस्ट की चॉइस पे होगा, जो फार्मासिस्ट को बेस्ट सूटेड लगेगा। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि हमारा जो ड्रग है हमारी, उसकी उसकी नेचर क्या है, उस हिसाब से हम उसको उसी तरह के कंटेनर में डालेंगे। तो एक तो ये है कि जो मेडिसिन है, अब जाहिर सी बात है जो फार्मासिस्ट है उसको इल्म है कि उसने उसको किस तरह के कंटेनर में डालना है। तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, एक तो यह है कि वो फार्मासिस्ट की चॉइस पे है कि वो उसको कौन सा कंटेनर उसके लिए रखता है, फिर दूसरा यह है कि उसमें उसने जो देखना है कि बेस्ट सूटेड कंटेनर कौन सा है, उसमें उसने स्टडी करना है कि ड्रग कंटेनर इंटरेक्शंस, कि जो ड्रग है वो कंटेनर के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी, उसका जो मटीरियल है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस तो नहीं करेंगे। उसके अलावा ड्रग स्टेबिलिटी देखनी है कि ड्रग की स्टेबिलिटी कितनी है, जो कंटेनर है उसमें ड्रग की स्टेबिलिटी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, और वो कितनी देर तक स्टेबल रह सकती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पैकेजिंग के लिए कंटेनर का इंतखाब किया जाता है। तो उसमें जो डिफरेंट कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें ये है कि सिरप के लिए हम बेसिक आमतौर पर ग्लास बॉटल्स यूज़ करते हैं, जो बॉटल्स होती हैं वो ग्लास की होती हैं सिरप्स के लिए। टेबलेट्स के लिए जो है वो ग्लास या प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ की जाती हैं। क्रीम के लिए जार यूज़ किए जाते हैं,
बेसिकली आमतौर पर, और आइंटमेंट्स और इमल्शंस वगैरह के लिए कोलेप्सिबल ट्यूब्स जिनको दबाया जा सकता है, ट्यूब कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये पॉइंट आगे पैकेजिंग में, कि पैकेजिंग में हमने जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारी ड्रग जो है वो कंटेनर के साथ इंटरेक्ट ना करे, और ड्रग स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अच्छे कंटेनर का इंतखाब करना है। उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ ली, तक सीरप हम कैसे स्टोर करेंगे, टैबलेट, क्रीम और एंटीमेंट्स और इमल्शंस वगैरह। फिनिशिंग आप प्रिस्क्रिप्शन में जो सेकंड पॉइंट है वो है लेबलिंग। अब हमने उसको पैक तो कर लिया, अब हमने उसको पैकिंग में जो कंटेनर है उसको लेबल भी करना है। लेबल से मुराद ये है कि हमने उसको लिखना है, लेबल लगाना है कि जिसमें इस सिरप में, इस ग्लास की बॉटल में कौन सी ड्रग है और उसकी डोजेज कितनी है, वो कौन से पेशेंट के लिए है, ये सारी मालूमात हमने लेबलिंग के दौरान करनी है। कंटेनर शुड बी अप्लाइड विद अप्रोप्रियट लेबल विच रिफ्लेक्ट। अच्छा, जो लेबल हमने लगाना है वो कह रहा है कि वो एक अच्छा नीट और प्रोफेशनल लोग जो है वो लेबल होना चाहिए, कोई आम सा लेबल या फजूल लेबल नहीं होना चाहिए, एक अच्छा और प्रोफेशनल लेबल लगाना है हमने उसके ऊपर। तो उसमें कह रहा है कि जो लेबल है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। वो उसने बताया है कि लेबल जो है उसके ऊपर जो प्रेपरेशन है हमारी उसकी टाइप होनी चाहिए कि वो कौन सी है, हमने मिक्सचर तैयार किया है या इमल्शन तैयार की है या पाउडर तैयार किया है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मींस हमने सिरप तैयार किया है तो उसके ऊपर हमें लिखना है कि नोविडेट सिरप है या नोविडेट टैबलेट है सपोज, और फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो 100 मिलीग्राम पर 5 ml है या वो 500 मिलीग्राम है अगर टैबलेट है या 250 मिलीग्राम है, ये हमने उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखना है। उसकी टाइप लिखनी है, वो सिरप है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, क्या चीज़ है, और उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है कि उसकी पावर कितनी है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है कोई भी है, कह रहे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, पैरासीटामोल है, कोई भी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फिर पेशेंट बायोडाटा, पेशेंट का हमने बायोडाटा उसके ऊपर लिखना है। फिर डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, हम किस तारीख को जो है वो पेशेंट को वो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, ये हमने उसके ऊपर लिखना है। उसके अलावा जो है डायरेक्शन फॉर यूज़, कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है, हमने मुंह के जरिए यूज़ करना है, हमने उसको जो है वो पर एक्सटर्नली यूज़ करना है, या हमने एंट्रावेनस यूज़ करना है, एंट्रामस्कुलर यूज़ करना है, कोई भी जो है वो डायरेक्शन ऑफ यूज़ जो है वो हमने उसके ऊपर मैयर कर लिखना है कि हम इसको यूज़ कैसे करना है। स्टोरेज कंडीशंस हमने ऊपर लिखनी है कि उसको हमने स्टोर किस टेम्परेचर रेंज में करना है, हमने फ्रीज टेम्परेचर पर उसको रखना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, हमने कूल टेम्परेचर पर रखना है 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है, या हमने उसको रूम टेम्परेचर पर रखना है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको रखना है। तो ये जो है डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस है ये हमने उसके ऊपर लिखनी है। प्रिकॉशंस हमने लिखनी है कि हमने इसको किस किस चीज़ों से बचाना है, हमें रोशनी से बचाना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, ये चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हमने प्रिकॉशंस भी लिखनी है, किन ड्रग्स के साथ इसको नहीं लेना। तो इसके अलावा नेम और एड्रेस, फार्मेसी का नेम और एड्रेस भी प्रेपरेशन के ऊपर लिखना है। तो जो दूसरा स्टेप्स ऑफ फिनिशिंग का प्रेस्क्रिप्शन में हमने डिस्कस किया, पहला था कि हमने उसको पैकेज पैक किया जो प्रेपरेशन हमारी तैयार हो गई है, दूसरा हमने उसको लेबल लगा लिए। अब लेबल लगाने के बाद जो तीसरा स्टेप है फिनिशिंग का प्रेस्क्रिप्शन में वो है रीचेकिंग। लेबल लगाने के बाद हमने उसको दोबारा रीचेक करना है कि जो हमने प्रेपरेशन तैयार किया है उसमें कोई मसला तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, हमें उसकी दोबारा से रीचेकिंग करनी है। एवरी प्रेस्क्रिप्शन शुड बी चेकड अगेन प्रेपरेशन ऑर्डर, उसको दोबारा से हमने चेक करना है। लेबलिंग के बाद जो है जो कंटेनर है उसको हमें अच्छी तरह से पॉलिश करना है ताकि जो फिंगर प्रिंट्स जो उसको लेबल लगाते हुए हमारे जो हाथों के निशानदार लगे हुए थे वो मिट जाएं। तो रीचेकिंग में बेसिकली हमें ये करना है कि हमने उसको एकदम अच्छी तरह चेक कर देना है, और लेबल लगाते हुए दौरान जो भी फिंगर प्रिंट्स वगैरह उसके ऊपर लगे थे उसको हमने रिमूव कर देना है, और फिर पेशेंट को डिस्पेंस कर देनी है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप है फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन में, जो ये टॉप पॉइंट है हमारा, उसमें जो चौथा स्टेप है वो है फिलिंग रिकॉर्डिंग। जो हमने फिल कर दी है प्रेपरेशन तैयार करने के बाद उसको पैक किया है, उसको लेबल किया है, उसकी रीचेकिंग करने के बाद उसको डिस्पेंस कर दिया है पेशेंट को, अब हमने उसका एक रिकॉर्ड भी रखना है। तो डिफरेंट प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स होती हैं जिसमें जो है हम अपना रिकॉर्ड जो है वो सेव रख सकते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसको हम सेव रखेंगे। तो ये चौथा स्टेप है, इसमें लास्ट स्टेप जो है फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन। इसमें उसने लिखा है वराइटी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स आर अवेलेबल विद सर्व टू मेंटेन एंड
रिजर्व ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर्स इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। वो कहता है डिफरेंट जो है वो प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स मौजूद होती हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है हम जो है प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर्स उसको हम सेव रख सकते हैं। अच्छा, उसने कहा कि जो एक अच्छा क्लीन और कंसाइज रिकॉर्ड जो है जितनी भी प्रेस्क्रिप्शन का है उसको लाजमी मेनटेन रखा जाना चाहिए, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन में, जो हमने प्रेस्क्रिप्शन जो हमने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो मेडिसिन हमने तैयार एक फार्मासिस्ट ने तैयार की है उसको उसने पैकेजिंग की है, उसकी लेबलिंग की है प्रोफेशनल तरीके से, उसकी रीचेकिंग की है, उसका फिलिंग की है, उसको उसका रिकॉर्ड रखा है। तो ये चार स्टेप जो है वो फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन में आते हैं। इससे हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में ये चौथा पॉइंट था फिनिशिंग दी प्रेस्क्रिप्शन। इससे अगले लेक्चर में हम जो है इसके अगला जो पॉइंट है प्राइसिंग दी प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन है अब उसको हमने तैयार कर लिया है, लेबल लगा लिया है, अब हमने उसकी प्राइसिंग सेट करनी है। तो प्राइसिंग के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं इसको हम जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिलीवरिंग दी प्रेस्क्रिप्शन, प्राइस लिखने के बाद हमने प्रेस्क्रिप्शन को डिलीवर करना है, तो वो हम लास्ट स्टेप भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।